ट्रांसपोर्टर के बंगले में सेंध लगाकर 16 लाख रुपए के गहने और नकदी 8 लाख रुपए चुराए जाने की वारदात का क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में खुलासा कर अमरावती के कुख्यात सेंधमार को साथी के साथ पकड़ा है। दोनों से नकदी, गहने और वाहन सहित 18 लाख रुपए का माल जब्त किया है। अरुण चरडे नांदगांव पेट कटोरा अमरावती और रवि जुग्नेश्वर शर्मा नंदनवन झोपड़पट्टी है। हरीश अमरावती का कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ 39 मामले दर्ज है। वह नंदनवन झोपड़पट्टी में अपनी बहन के यहाँ आकर रहता है। इसी दौरान उसकी बस्ती के रवि शर्मा से पहचान हुई। पेंटिंग का काम करने वाले रवि को हिवरी नगर निवासी ट्रांसपोर्टर सत्यनारायण दरक के घर के सामने काम करने के दौरान दरक के बाहर जाने का पता चला। इसके बाद दोनों ने उस घर में चोरी की। नंदनवन पुलिस स्टेशन घरफोड़ी झालेली होती। सत्यनारायण दरक यांच्या घरी ती घरफोडी झाली होती। त्या घरफोडीत तपास साहित्यिक तपास नंदनवन पोलीस स्टेशनसोबत गुन्हे शाखा करत होती। मान्य पोलीस आयुक्त सर श्री अमितेश कुमार सर, मान्य अप्पर पोलीस आयुक्त फुलारी सर, मान्य डी सी पी चिन्मय पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनात व आमच्या युनिट चार्जचे पी एच एफ वन सर यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही सदर गुन्ह्याचा तपास करत होतो। सोबत घरफोडी पथकचे श्री चौरसिया साहेब हे सुद्धा त्यात संयुक्तरित्या आमच्यासोबत तपास करत होते। सदर घटनेसंबंधाने आम्ही तांत्रिक विश्लेषण केले आणि तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित आम्हाला आरोपींची नावे समजली। त्याद्वारे आम्ही अमरावती येथे जाऊन एक आरोपी आहे हरीश अरुण चरडे यास ताब्यात घेतलं आणि त्याच्याकडून आम्ही सदर गुन्ह्याचा मुद्देमाल रिकवर केला आणि त्यानंतर आम्ही नागपूर येथून सुद्धा रवी कुमार शर्मा यास अटक करून त्याच्याकडून सुद्धा या गुन्ह्यातील चोरीचा मुद्देमाल आम्ही रिकवर केलेला आहे आणि पुढील कारवाई करता दोन्ही आरोपींना पोलीस स्टेशन नंदनवनच्या ताब्यात दिलेले आहे। रवि शर्मा नंदनवन थाना परिसर के कई व्यापारियों को जानता है। उसे सत्यनारायण दरक का फाइनेंस का बड़ा काम होने का पता था। उसने हरीश को वहां से काफी नकदी और गहने मिलने का बताया था, लेकिन पकड़े जाने के बाद से दोनों अलग जानकारी दे रहे हैं। इससे आरोपियों के नकदी और गहनों को लेकर गुमराह किए जाने की आशंका है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।